टेक्नोलॉजी का सीखना विद्यार्थियों को देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का सुअवसर प्रदान करता है। यह न केवल उन्हें नवीनतम तकनीकी ज्ञान देता है, बल्कि नई खोज और उसमें उपयोग कर वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करने का भी अवसर देता है। टेक्नोलॉजी सीखकर विद्यार्थी नवाचार और उपयोगी बनाकर व्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर जीवन को गुणवत्ता प्रदान करते हैं, जिससे देश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनता है। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल खरगोन अध्ययनरत विद्यार्थियों को जूनियर साइंटिस्ट बनाकर वैश्विक स्तर पर योगदान देने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। IIT कॉलेज पवई से जुड़े टेक्नोकैट्स की एक टीम आदित्य इंटरनेशनल स्कूल आई है और विद्यार्थियों को मोटर्स, माइक्रो कंट्रोलर, GPS, नेविगेशन, पावर मैनेजमेंट यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंसर, मशीन ब्रांड, ड्रोन कंपोनेंट, सेंसर इंटीग्रेशन, फ्लाइट कंट्रोल एवं ऐसी नवीन टेक्नोलॉजी जिससे शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा क्षेत्र में क्रांति आ सके, इनसे संबंधित प्रशिक्षण दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अग्रवाल, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 फ्रॉम आदित्य विद्या विहार इंटरनेशनल स्कूल, अ टीम ऑफ IIT फ्रॉम दिल्ली इज गाइडिंग अस फॉर ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट वी विल पार्टिसिपेट चैंपियनशिप एट IIT पवई एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर स्कूल आदित्य इंटरनेशनल एज वेल एज होल निमा रीजन एंड आई होप वी विल विन चैंपियनशिप। थैंक यू। Good morning. I'm Samyath from class 6 and I'm taking the training of robotics and drone making workshop which is organized in our school. The IITian from Delhi had came us to train us for our excellent performance in IIT Powai. Yes, we are going to Powai for our presentation on robotics and drone making. This is only possible because of our director sir and principal ma'am to give us such a wonderful opportunity, and I'm pretty sure that we will give our 100% there. Thanks a lot. And I'm My name is Soumya Sahu. I'm Aditi Jaiswal, student of grade 8 studying in Aditya International School. I'm getting the training of drone technology in which I'm learning to handle the drone in challenging situation. I'm also learning that how AI will help us for flawless operation. After that, we will participate at IIT competition at Powai, where the students from all over the country will join. I like to shine my school name and our state Madhya Pradesh. Thank you. Aditi Jaiswal. And good morning everyone. I am Bhavish Upadhyay from class 6. I am one of the participants in robotics and drone making training workshop in our school. I am very happy to be the part of this workshop that will lead us to IIT Powai, Mumbai for further competition and our excellent presentation there. This is very wonderful and guidable for me to step towards on my aim. Thank you to respected director sir and principal ma'am to give us such a great platform. Thank you. Mahavishnu Upadhyay. Hello and good morning everyone. I am Mahavishnu Upadhyay from class 6. I am one of the participants in robotics and drone making training workshop in our school. I am very happy to be the part of this workshop that will lead us at IIT Powai, Mumbai for further competition and our excellent presentation there. This is very excellent and valuable for me to step towards on my aim. Thank you to respected director sir and principal ma'am to give us such a great platform. Thank you. भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, IIT ग्लोबल लेवल पर योगदान दे सकें, इस उद्देश्य से भारत सरकार के IIT कॉलेज देश के कुछ चुने हुए स्कूलों के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। उनसे एसोसिएट IITians आते हैं, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें इनोवेशन, नए नए आविष्कार कैसे हो सकें उन्हें मानसिक रूप से तैयार करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी बताते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, इनसे जुड़ी हुई डीपर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं। वर्तमान में IIT की एक टीम विद्यालय में आई है जो पिछले एक सप्ताह से विद्यार्थियों को सतत इस संबंध में टेक्नोलॉजी इस संबंध में ट्रेनिंग दे रही है। हमारे विद्यार्थी भविष्य में बड़े बड़े आविष्कार कर सके इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। इसी संबंध में जनवरी 2024 में IIT मुंबई, जिसे IIT पवई कहते हैं, वहाँ विद्यार्थियों का एक दल जाएगा
और जो भी आविष्कार से जुड़ी हुई उनकी कंसेप्ट होगी उसे वहाँ पे IITians के सामने रखेगा। मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के 4 स्कूल इस पर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक आदित्य इंटरनेशनल स्कूल भी पंजीकृत है। गत वर्ष विद्यार्थी IIT कॉलेज से टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप जीत कर आए थे। हमें भरोसा है इस वर्ष भी विद्यार्थी टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप जीत कर संपूर्ण निमाड़ का नाम भारत देश में रोशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।